नमस्कार, मेरा नाम राकेश है, मैं गांव मच्छर फरीदाबाद से हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9810859204। मैं काफ़ी दिनों से वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ कर रहा हूं। ये मुझको सूरजकुंड में किसान मेला लगा था जिसमें कि मैं गया, वहाँ पर मेरे को नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उनके कैबिन पे गया तो उन्होंने मेरे को इसके बारे में समझाया और मैं वहाँ से लेके आया। उसके बाद मैंने बाजरे पे इसका यूज़ किया है जिससे कि इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, जिसमें कि मैंने कोई भी यूरिया, डीएपी या किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रयोग नहीं किया है, ना ही किसी दवाई का छिड़काव किया है। जब भी इसका पानी लगाते थे तो इसको उसमें बहा देते थे और स्प्रे पंप में भर के और इसके ऊपर स्प्रे भी कर दिया था, तो यही हर 15वें दिन या हफ्ते में इसका स्प्रे कर देते थे, जिससे कि फसल बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं लगता कि बिना यूरिया या डीएपी डाले हम इतनी अच्छी फसल ले सकते हैं। और इसका अभी मैंने एक और प्रयोग किया था कि मैंने तिल बोए थे जो कि पानी की कमी से काफ़ी हल्के हो गए थे, जिनको मैं जुतवाने वाला था, लेकिन अभी 15 दिन पहले मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र का ही उन पर स्प्रे किया जुतवाने से पहले, कि एक बार देख लेता हूँ कि इस पर इसका क्या रिज़ल्ट है। तो उसमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है। आइए, मैंने बोला था आपको कि तिल की फसल के बारे में, तो ये है तिल का खेत जिसको मैं जुताई करवाने वाला था, जो कि पूरी तरह इल्लियों से, कीड़ों से लदा हुआ था, लेकिन मैंने इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र का स्प्रे किया, लगभग 50-50 का रेशो था, 50% डिकम्पोज़र, 50% पानी था, और फिर इस पर स्प्रे किया तो पहले हफ्ते में एकदम से पूरा हरा हो गया, इल्लियाँ नहीं दिखाई दे रही थी और फूल आ गया एक हफ्ते बाद तक पूरे खेत में। और अगले हफ्ते फिर से उसका ऐसे ही 50-50 का स्प्रे किया इसमें, तो उसके बाद जो तिल हैं वो दिखाई देने लगे और फूल दोबारा से आ गया, और अभी कंटिन्यू आप देखोगे तो ये फूल ऊपर से फूल की ये आई हुई है, फूल आए हुए हैं और ये लगातार बढ़ रहा है और काफ़ी लंबाई में है, जो फल आ रहा है काफ़ी स्वस्थ लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा कि 15 दिन पहले इसकी ये हालत होगी, तो 15 दिन पहले ये बिल्कुल ही ख़त्म था। मैं आपको दिखाऊं कुछ पत्ते ये रहे जो कि खाए हुए थे, ये इसमें इल्लियां लगी हुई थी पूरे में, तो अब एक भी इल्ली पूरे खेत में दिखाई नहीं दे रही है और जो भी पेड़ हैं सारे स्वस्थ हैं और सभी में बहुत ही अच्छा फल आ रहा है। इस करके इसको छोड़ दिया है, अब इसमें से निकाल के अब मेरे को लग रहा है कि मैं तिल की बहुत अच्छी खेती कर सकता हूँ और हो सकता है कि अगली बार मैं पूरे एक एकड़ में ही ऐसे तिल लगाऊं, क्योंकि अगर ऐसे तिल इतनी अच्छी उत्पादकता आती है खेत में तो एक खेत में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होगा, जिसमें कि वेस्ट डिकम्पोज़र की वजह से मेरा जो खर्चा है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोज़र की एक सीसी सिर्फ 20 रुपये की आती है जो कि चलती चली जाती है, और ये वेस्ट डिकम्पोज़र जो मैं लेके आया था उसको बनाने का तरीका ये है, आपको उपयोग करना है तो एक 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र की बोतल डाल दीजिए, घोल के उसको उसमें हाथ टच ना करें, और उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, गुड़ जितना पुराना हो उतना अच्छा है, फिर उसको आप सुबह शाम हिलाते जाइए। ये सर्दियों में 10 या 12 दिन लग सकते हैं, गर्मियों में ये 6-7 दिन में तैयार हो जाता है, इसका रंग सफ़ेद दूधिया जैसा हो जाता है, तो समझ लीजिए बन के तैयार है। जब आप एक दो बार बनाओगे तो जैसे ही हिलाओगे तो उसकी जो स्मेल आती है, गंध है, उसी से पता चल जाता है कि बन गया है या नहीं बना है। उसके बाद आप इसे जब पानी लगाते हैं, ड्रिप इरिगेशन है तो उसमें डाल दीजिए, पानी बह के लगाते हैं तो उसमें बहा दीजिए, वो खेत में जाएगा और खेत में जाके अपना काम शुरू कर देगा,
आपके खेत के अंदर जितनी भी वेस्ट पड़ी हुई है वो सबको गला के खाद बना देगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और देखोगे कि खेत में केंचुओं की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप जहाँ भी देखोगे वहीं पर आपको केंचुए मिलेंगे, जहाँ पर भी खोद के देखोगे केंचुए मिलते हैं। तो उससे क्या है कि जब आप पानी लगाते हो तो पानी ज़मीन के अंदर तक जाता है पूरा, और नमी जहाँ आपको पानी की ज़रूरत हर 10वें दिन पड़ती है तो फिर आपको हो सकता है कि 10वें दिन ना पड़ के आपको 20 दिन बाद पानी लगाना पड़े, क्योंकि उससे नमी बरकरार रहती है। और केंचुए के बारे में आप जानते ही होंगे कि जिस खेत में केंचुए हों उसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। केंचुए होते हैं जो भी वेस्टेज पड़ा होता है उसको बहुत जल्दी खाद बना देते हैं, जिससे कि दीमक भी उसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि दीमक वहीं भागती है जहां पर उसका खाना होता है। जब ये नहीं रहेगी, केंचुए रहेंगे, उनका खाना नहीं रहेगा, तो दीमक खेत से बिल्कुल गायब हो जाएगी। और बस इतना ही, यूज़ कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए।